हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। नीट 2024-25 के लिए एनसीईआरटी को अपन यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। काफी दिनों बाद अपन मिले हैं, 2-3 दिन हो गए, कुछ इश्यूज की वजह से नहीं बना सके, तो कंटिन्यू करेंगे आज से। अपन जीवों में जन्म चक्र अपन डिस्कस कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। एक सेशन उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था, परिचय अपन ने देखा था, ठीक है। दूसरे सेशन में अपन ने अलैंगिक जनन की बात की थी, उसका कुछ पोर्शन बचा हुआ है वो आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो करना है, नोट्स बनाने के लिए आपको नोटबुक लेके बैठनी है, ठीक है, या बैठना है। एनसीईआरटी को आप बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं आएगी समझ में। ये सेशन आप कंप्लीट देख लेंगे, जैसे अलैंगिक प्रजनन का टॉपिक आज कंप्लीट होता है, उसके बाद में आप अलैंगिक प्रजनन की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर भी मान लीजिए 0.00001% क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आपके डाउट को 100% सॉल्व किया जाए। तो आज सेशन में जो मैंने डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने उससे पहले की परिचय पढ़ने देखा था, जीवन काल की बात की थी, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसे जीवन काल कहते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग जीवन काल होता है, उसका साइज, किसी भी जीव का साइज उसके जीवन काल से प्रभावित नहीं रहता, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। एग्जाम्पल भी यहाँ से अपने डिस्कस किया था। उसके बाद में प्रजनन की परिभाषा देखी थी कि जीव द्वारा अपने समान संतुलित उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है, ठीक है। कुछ फीचर्स अपने देखे थे, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के प्रकार डिस्कस किए थे, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन, उनमें जो इन्वॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ पेरेंट्स, उसके बेसिस पर अपन ने बात की थी। अलैंगिक जनन को लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया था, एकल पैतृक ही इसके अंदर होता है, जो भी पुत्री और पैतृक कोशिकाएं एक दूसरे से समान होती है हर एक तरीके से, चाहे अनुवंशिक रूप से, आकार की, शारीरिक की, उसी समानता को बताने के लिए शब्द रहते हैं क्लोन, ठीक है। अभिलक्षण की बात की थी, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार अपन डिस्कस कर रहे थे, खंडन देखा था, उसके अलग अलग प्रकार देखे थे, द्विखंडन, बहुखंडन, देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखे थे और रिलेट किया था 11th क्लास के एनसीईआरटी को भी, दूसरे और जो तीसरा चैप्टर आपको दे रखा 11th क्लास के एनसीईआरटी को, वहां से भी अपन ने रिलेट किया था। उसके बाद में मुकुलम देखा था, फ्रेगमेंटेशन देखा था, जंतु जगत में पढ़ते हैं इसे थोड़ा सा, बाकी भी पढ़ते हैं। पुनर्द्रोण भी अपन ने डिस्कस किया था, पेटे एलमेंटीज या चपटे गर्मी जिसे अपन कहते हैं, उनके अंतर मिलता है, दो प्रकार यहाँ से डिस्कस किए थे। तो आज के सेशन में इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे और ये जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं इनको यहाँ से अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इससे पहले जो एनसीईआरटी की थ्योरी है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उन सबको यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में ये जो डायग्राम्स आपको बताए जा रहे हैं वो भी यहाँ से अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट अलैंगिक प्रजनन की जो बात कर रहे हैं उसको अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। नोटबुक लेके आप लोग बैठिएगा जिससे काम अपना क्या हो जाए, आसान हो जाए। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन, अलैंगिक जो जनन है उसी का प्रकार है, बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन जिसे अंग्रेजी में अपन कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में भी लिख देता हूं मैं, स्पोरुलेशन जिसे अपन कहते हैं, स्पोरुलेशन। स्पोर जो होते हैं, बीजाणु जो होते हैं, आप एनसीईआरटी में अलग अलग जगह, चाहे तो वो पादप से संबंधित हो, ठीक है, मोस्टली पादप की बात करेंगे, जंतुओं की तो बहुत कम की बात करेंगे, पादप की बात करोगे आप, कवक की बात करोगे आप, जो सिंपल प्रकार की, वहां पर जो स्पोर या बीजाणु जो शब्द है उसको आप काम में लेते हैं, क्योंकि अपन ना तो बॉटनी पढ़ रहे हैं ना जूलॉजी पढ़ रहे हैं, अपना काम ये है कि पूरा बायो को अपन पढ़े, तो रिलेट करके पढ़ाना जिम्मेदारी। तो ये जो आप सेकंड चैप्टर में चलोगे चलोगे जब कवक की आप बात करते हो, क्योंकि 5 जगत प्रणाली में क्या आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा की आप बात कर लो, कवक की बात कर लो, या पादप की बात कर लो, मेनली जंतु की कम होती, वहां पर आपको बीजाणु जो शब्द है आसानी से मिल जाएगा देखने को, पढ़ने को, सुनने को, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से बीजाणु बनते हैं, कुछ जो होता है गतिशीलता के आधार पर अपन बोलते हैं ये चल बीजाणु है या अचल है, साइज के आधार पर अपन बोल सकते हैं, शेप के आधार पर बोल सकते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। स्पोर की अगर अपन बात करें, बीजाणु की अगर अपन बात करें, तो ये आपके पास छोटे होते हैं, छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे होते हैं। उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एकल होते हैं, एकल कोशिका होती है, ये आपको एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा आपको शब्द मिलेगा बीजाणु या स्पोर, तो इसको आपको ध्यान में रखना समझने के लिए। एकल होते हैं, छोटी कोशिका होती है,
ठीक है, और यहां पर पतली या मोटी, पतली या मोटी कोशिका भित्ति भी इनके ऊपर होती है। पतली हो सकती है, मोटी हो सकती है, लेकिन कोशिका भित्ति या भित्ति लिख देते हैं अपन सिंपल सा, ठीक है, ये भित्ति अपन लिख देते हैं यहां पर होती है। आ रही बात समझ? अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की स्पोर हो सकते हैं। जो गतिशील होते हैं, जो गतिशील होते हैं उन्हें अपन जू स्पोर कहते हैं, जू स्पोर्स या चल बीजों एक तरह से अपन कह सकते हैं। और जो हाँ गतिशीलता की अपन बात करेंगे, छोटे छोटे हैं तो अपने अंदर गति होती है, तो अपने हाथ पांव इसलिए होती है कि वहां पर भी हाथ पांव में नहीं, तो वहां आपने सुना होगा स्थीलिया और फ्लेजिल, अकशा और पक्षमा, वो क्या करते हैं गतिशीलता में हेल्प। ठीक है, जब आप सेकंड चैप्टर में पढ़ते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वहां पर भी अपन देखते हैं प्रोटिस्टा और कवक के अंदर कशाप की बात कर रखी है, पक्षमाप की बात कर रखी है, पैरामैग्नेशियम आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो जो गतिशील है उसे अपन कहते हैं जूस्पोर। तो साहब जो अगतिशील है जिसमें गति नहीं हो सकती उसे आप क्या कहोगे? क्या उसके लिए भी कोई शब्द है? क्या उसके लिए क्या है? एक गतिशील के लिए अलग अलग शब्द यूज में लेते हैं, एक कॉमन शब्द नहीं है, अलग अलग शब्द है। जैसे कोनिडियापन आपने सुना होगा, कोनिडिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको कोनिडिया। या स्पोर एंजियोस्पोर्स की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या अलग अलग होते हैं। एक गतिशील के लिए अपन अलग अलग शब्द यूज में लेते हैं, डिपेंड करेगा किस जीव में। अरे बात समझ? ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में फर्स्ट अपन बात करते हैं, तो फर्स्ट जूस्पोर। जूस्पोर को हिंदी में भी जूस्पोर ही लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लांट किंगडम की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। जूस्पोर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये क्या है भाई साहब? ये होते हैं गतिशील। गतिशील क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मिलता है फ्लेजिला। क्या मिलता है? फ्लेजिला। और फ्लेजिला ही क्या करता है? गति में हेल्प करता है। फ्लेजिला इसलिए क्या है, किसी भी जीव के ऊपर माइन्यूट स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, ठीक है, किसी भी जीव की सतह पर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वो सीलिया फ्लेजिला है। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है दोनों में, जो सेल वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं, कोशिका वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं, तो आपको डिफरेंस भी आना चाहिए, और नहीं आता तो वहां पर अपन डिस्कस करेंगे। नॉर्मली अगर जूस्पोर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, यहां पर इसमें जो सेल वॉल है वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है। नॉर्मली अगर बात करें तो, ऐसा नहीं कि 100% में बोल रहा हूं, नॉर्मली अपन बात करें जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और फ्लेजिला क्या करेगी? आपकी हेल्प करेगी गतिशीलता में, स्विमिंग में यहां पर सिंपल सा हेल्प करेगी। अरे वसन, ये एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कवक में मिलते हैं, कवक में मिलते हैं, और कवक में मिलते हैं, कवक में आप अलग अलग क्लास पढ़ते हो वहां पर, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ज्यूटेरोमाइसिटीज, तो उनके अंदर ये मिल सकते हैं, और कुछ जो शैवाल है उनके अंदर भी आपको मिल जाएंगे, शैवाल के अंदर भी आपको सिंपल सा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे क्लेमाइडोमोनास तो आपने सुना ही होगा, कॉमन सा एग्जाम्पल है क्ले माइडोमोनास। और इस एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे जाकर कहां, 11th क्लास की एनसीईआरटी का जो शैवाल वाला पोर्शन है आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब वहां पर आप वापस जो रिविजन आपका, रिविजन करने में कोई बुराई थोड़ी है, आप रिवेट करके पढ़ो, काम यहां से आसान अपना होगा। तो क्लेमाइडोमोनास या कवक की बात करें या शैवाल की बात करें, जो सरल प्रकार के उनके अंदर आपको मिल जाएगा। क्लेमाइडोमोनास के साथ में एक आता है यूलोथ्रिक्स, उसके अंदर भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, इसलिए मैं आपको यहां पर सिंपल सा बता रहा हूं। आगे बस आगे अपन चलते हैं, नेक्स्ट जो बी आता है वो है कोनिडिया। ये भी आपने एनसीईआरटी में सुना है, अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो, हिंदी में भी कोनिडिया बोलते हैं और इंग्लिश में भी कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। ये आपने एक एग्जांपल पेनिसिलियम सुना होगा, और पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम आपने सुना होगा ना, एंटीबायोटिक प्रति जैविक जिससे अपन बनाते हैं 12th क्लास में, ये आपके पास कवर की बात करते हैं उसी टॉपिक में आपको मिलेगा 11th क्लास।
है, तो ये पेनिसिलियम की जो बात कर रहे हैं, एस्कोमाइसिटिस में आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। प्रॉपर्टी की बात करें तो जो कोनिडिया है वो अगतिशील है। अगर गतिशील होता तो उसके लिए अपन ने पहले शब्द क्या यूज में लिया था, स्पोर, जो स्पोर की बात कर लेते। ठीक है, एक गतिशील है जो या तो एकल हो सकते हैं या एक चेन में हो सकते हैं, एकल या एक चेन या श्रृंखला में हो सकता है। जैसे एकल में ये हो सकता है, चेन में कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। पेनिसिलिन नोटेटम का जो पेनिसिलियम अपन देखते हैं, ठीक है, उसके चित्र में आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। एनसीईआरटी का डायग्राम आप देखोगे तो इस प्रकार से चेन आपको मिल जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात आपको नहीं मिलेगी। फिर ये अलग अलग जब होते हैं, ये क्या होते हैं, अलग अलग जब यहां से होते हैं तो आपका नया जीव वहां से बन जाता है। ठीक है, नया जीव बन जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ रहा है, लैंगिक प्रजनन का प्रकार बढ़ रहा है, तो नया जीव तो बनाना है ही, इस बात को अपन नहीं भूल सकते हैं। आर्य वासन, और इनका जो निर्माण होता है वो होता है बहिर्जात, बहिर्जात होता है। ठीक है, ये एकल हो सकते हैं या श्रृंखला में हो सकते हैं। आर्य वासन, ये बहिर्जात इनका क्या होता है, निर्माण होता है या उत्पादन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास जो आता है, सी जो आता है वो है क्लेमाइडो स्पोर। हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, क्लेमाइडो स्पोर। ये मोटी भित्ती वाले होते हैं, मोटे भित्ती वाले होते हैं, जो आपके पास क्या होता है, जो आपके पास सीधा ही प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद में इनके अंदर क्या होता है, संरक्षित खाद्य पदार्थ होता है, रिजर्व फूड मटेरियल जिसे अपन कहते हैं, संरक्षित खाद्य पदार्थ इनके अंदर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में मदद करता है, प्रतिकूल परिस्थिति में इनको सर्वाइव करने में मदद करता है, प्रतिकूल परिस्थिति में मदद करता है। मान लीजिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव करते हैं, अब टेम्परेचर हो गया 50, तो ये जो रिजर्व फूड है, जो संरक्षित है, वो ही मदद करेगा। मनुष्य में अगर मैं पूछूं आपसे एक संरक्षित खाद्य पदार्थ कहां, जवाब दे पाओगे, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जो मदद करता है एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, अगर उसका गलत है तब भी मैं उसको सही आंसर दे दूंगा। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, तो राइजोपस एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, 11th क्लास की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, मशरूम एगरिस जिसे अपन कहते हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देन उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे तो ओइडिया, नेक्स्ट अपने पास जो आता है डी ओइडिया, ये कुछ जो कवक हैं, कवक की जो बात करें, जैसे एगरिस एगरिकस की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें इस प्रकार का बनता है हाइपे। हाइपे क्या, एक तरह का नेटवर्क है, क्या है, नेटवर्क है हाइपे, एक जाल है एक तरह से अपन कह सकते हैं, जाल है। तो ये जो जाल है वो आपके पास क्या होता है, छोटी छोटी पतली भित्ती वाले जो कोशिकाएं हैं वो यहां से जब अलग होती है, ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं ओइडिया। आदिवासन, उसे अपन क्या कहते हैं, ओइडिया। और यहां से क्या हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म यहां से बन जाएगा, नया जीव आपके पास बन जाएगा। तो ये भी किसमें मदद कर रहा है, ए लैंगिक प्रजनन में यहां पर ये मदद कर रहा है। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो दिक्कत वाली बात आपको नहीं हो। ये तो अपने बात कर ली है, जो सारे जीव हैं जिसमें आपका बैक्टीरिया भी आया था, मोनेरा जिसे अपन कहते हैं, प्रोटिस्टा भी आया, कवक भी आया, कुछ पादप भी है आपका। ठीक है, अब स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें पादपों की, किसकी स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें पादपों की, मैं चित्र जो है वो आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसे अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक जनन इसे आप कहते हो, कायिक संवर्धन भी इसे कहते हैं जगह जगह। ठीक है, तो कायिक एक्चुअल में है क्या, ये पादपों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ये अलैंगिक प्रजनन ही है,
लेकिन ये जो शब्द अपन यूज में ले रहे हैं स्पेसिफिकली अगर अपन कहें तो ये केवल पादप के लिए, मोस्ट ऑफ द केसेस जो है उसके अंदर केवल पादप के लिए अपन यूज में लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक संवर्धन, कायिक जनन, ये जो शब्द है ये किसके लिए यूज में ले रहे हैं, पादपों के लिए अपन मेनली यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है, जो इकाई है कायिक इकाई जो है यहां से नए पादप का निर्माण हो रहा है, कोई ना कोई यूनिट तो होगी ना भाई साहब, यूनिट नहीं है तो कैसे नया जो जीव है वो बनेगा, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा, क्योंकि एकल पेरेंट ही इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, एकल पेटर ही इसके अंदर क्या होता है इन्वॉल्व होता है, तो होना जरूरी है नए पादप का निर्माण कायिक इकाई से, उसे अपन क्या कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रजनन इसे अपन कहते हैं। आयुवासन, इस मेथड में कम से कम समय में आपके पास नए से नए जीव बन जाते हैं, क्लोन जिसे अपन कह सकते हैं, तो ठीक है ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। अलग अलग प्रकार होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, कायिक और दूसरा हॉर्टिकल्चर, मतलब जिसमें अपन अपनी तरफ से करते हैं, एक तो नेचुरल है, पहला जो प्रकार है वो कौन सा है नेचुरल है। टाइप्स की अगर अपन बात करें तो दो टाइप्स इसके अंदर आते हैं, एक तो प्राकृतिक है जिसे अपन कहते हैं नेचुरल, और दूसरा अपने पास आता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, पुष्पी पादपों का जो संवर्धन अपन वहां पर करवा रहे हैं वो हॉर्टिकल्चर अपन करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल भी इसे अपन कह सकते हैं, इसे करवा रहे इसीलिए कृत्रिम कायिक जनन भी इसे अपन कह सकते हैं, नेचुरल में नेचर खुद से करवा रही, कोई इसमें जरूरत नहीं अपन को भाग लेने की। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया रखने की जरूरत है। नेचुरल मेथड मेनली अपन पढ़ेंगे, बाकी अपने काम का नहीं है। नेचुरल मेथड की जो बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी पैतृक पादप है, पैतृक पादप है उसका जो भी हिस्सा है वो हो सकता है कि उस पर ग्रोथ करके अलग हो जाए, ग्रोथ ना करे तब भी वो क्या हो जाए अलग हो जाए, वो मूल हो सकता है, तना हो सकता है, पुष्प हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो पादप का पार्ट कुछ भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना। तो पैतृक पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण, नए पादप का निर्माण, ठीक है ये आपको सिंपल से ध्यान में रखना। अब निर्माण हो रहा तो इसके अनुकूल कंडीशन होगी या प्रतिकूल होगी, अनुकूल होगी तभी वो करेगा, प्रतिकूल में तो नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं मूल या जिसे अपन कहते हैं रूट, वहां से कौन कौन से पादप से नए पादप का निर्माण होता है, एग्जाम्पल बहुत ध्यान में रखना, बाकी तो समझ में आता है कि मूल मैंने लिखा तो मूल से नए पादप का निर्माण हो जाएगा, मूल की वृद्धि होगी, अलग होगा कोई पोर्शन या कुछ भी होगा, मतलब नए पादप मूल से बनना है, इसको लिखवाने की आपको नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मूल की बात करते हैं तो मूल आपने सुना होगा मूसला मूल, ठीक है अलग अलग प्रकार के जो मूल होते हैं, टेप रूट जिसे अपन कहते हैं या एडवेंटेशियस रूट जिसे अपन कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी में आता है पांचवें चैप्टर में, 11th क्लास के एनसीईआरटी में रूट के दो प्रकार आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जो दोनों प्रकार की रूट है, टेप रूट और एडवेंटेशियस रूट जो है, उन दोनों में आपको इस प्रकार का जो प्रवर्धन है मिल सकता है। ठीक है, टेप रूट की अगर अपन बात करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं 11th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा है टेप रूट के बारे में, एडवेंटेशियस रूट के बारे में, तो टेप रूट की अगर अपन बात करेंगे तो शीशम इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, शीशम का अगर कोई पेड़ है तो उसकी जो रूट है यहां से नए पादप का वो निर्माण कर लेगा, रूट जो है वो नए पादप का निर्माण कर लेगा। तो टेप रूट में आपको शीशम ध्यान में रखना है, ठीक है गवावा आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है गवावा आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। जबकि अगर अपन बात करें जो एडवेंटेशियस रूट की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आप स्वीट पोटेटो ले लो, शकरकंद जिसे अपन कहते हैं, स्वीट पोटेटो आप सिंपल सा ले सकते हो। ठीक है, डहेलिया एक कॉमन एग्जाम्पल है, ये आप ले सकते हो। तो यहां पर दोनों प्रकार के जो मूल है वहां से नए पादप का निर्माण हो सकता है, ज्यादा इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं, क्योंकि जो पूछेगा तो या तो एनसीईआरटी के डायग्राम से पूछेगा या जो एग्जाम्पल मैं यहां पर बता रहा हूं उसी से पूछेगा, क्योंकि थ्योरी में इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। दूसरा रूट के बारे में जो नेक्स्ट अपने पास आता है वो है
दूसरा अंडर ग्राउंड सिंक, मतलब वो भूमि के जो नीचे जो तने हैं वहां से क्या नया जीव बन सकता है। तो उसका एग्जांपल की अगर अपन बात करेंगे सिंपल सा, ये तो आपको समझ में आती है, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है कि भूमि से नीचे जो भी स्टेम है ऐसा नहीं कि केवल मूल ही होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये भूमि है और ये इसके नीचे तना है, हो सकता है इसके ऊपर भी क्या हो तना हो। तो जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में आपको जो ऊपर दिख रहा हो तना है, नीचे भी वो हो सकता है और यहां इसके नीचे ये आपके पास मूल हो सकती है। आ रही बात समझ। तो भूमि के नीचे जो तना है उसकी बात कर रहे हैं, वहां से अगर नया जीव बनता है तो वो इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन है, पादपों, नया पादप बनता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक तो आपके पास मिलेगा ट्यूबर, डांट, जिसे अपन कह सकते हैं एक तरह से सिंपल सा। ठीक है, आपने सुना होगा आलू की आंख, नोड जिसे अपन कहते हैं, नोड, नोड जिसे अपन कहते हैं, नोड इंटर पर्व, अंतर पर्व या संधि कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्यूबर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो यहां पर क्या होता है, आई होती है, आंख होती है या नोड होता है, पर्व कह लो आप, संधि कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, संधि कह लो या पर्व कह लो, वहां से आपके पास क्या बनेगा, नया जीव बनेगा। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करेंगे तो आलू आपने सुना है, आलू के अंदर क्या होता है, उसे आलू में भी एनसीईआरटी का चित्र भी अपन देखेंगे। यहां से मान लो ये नया बन जाएगा, ये नया बन जाएगा, यहां से ये नया बन जाएगा। तो इसको अगर आप यहां से देखोगे, आलू क्या है, सेम ही तो है, ठीक है, मॉडिफाइड संवर्धित, जो बाद में देखेंगे भी छोड़ो, वहां कहां मिलता है आलू, मिलता है नीचे, मिट्टी के नीचे मिलता है, वहां से उसकी आंख जो है वहां से नया जीव बन सकता है। बहुत सारी जगह पर अगर आप कृषि फैमिली से बिलोंग करते हो, गांव से बिलोंग करते हो, तो आंख वाले पार्ट को काट देते हैं, नया आलू बन जाता है। तो वो आपके पास क्या, सिंपल सा ट्यूबर जिसे अपन कहते हैं। दूसरा आता है बल्ब, बल्ब को बल्ब ही कहते हैं, बल्ब जो लग रहा है घर में वो वाला बल्ब नहीं है। ठीक है, बल्ब की जो बात करते हैं ये भी आपके पास क्या, अंडरग्राउंड सेम ही है, तने भी है, तने ही है। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करेंगे तो एग्जाम्पल आपके पास, आपने गार्लिक सुना होगा, ठीक है, अनियन सुना होगा, अरे लहसुन प्याज, लहसुन प्याज, तो प्याज भी क्या, भूमि के नीचे मॉडिफाइड जो आपके पास स्टेम है एक तरह से, जिससे क्या हो सकता है, नए पादप का निर्माण हो सकता। ध्यान में आपको रखना दोनों को, ट्यूबर और जो बल्ब बता रखे हैं वो क्या है, अंडरग्राउंड जो स्टेम है उसके एग्जाम्पल यहां से आपको बताए जा रहे हैं। उसके बाद में जो तीसरा अपने पास आता है वो है सिंपल सा राइजोम, इंपॉर्टेंट है, क्या है, राइजोम, राइजोम्स की बात करते हैं। तो ये भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम के ही पार्ट में आएगा, ये टाइप में आएगा, अंडरग्राउंड स्टेम के उसी में ही आएगा, जो क्या करता है आपके पास फूड को स्टोर करता है, खाद्य संग्रहण करता है, किसके लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए। अपन भी सेविंग कर रहे हैं ना, बचत ही भविष्य की कमाई है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे पता नहीं अपन को क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं पता अपन को कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है, उसी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। टाइम वैसे बाप के साथ बेचारे वो भी, लेकिन उनको क्या पता कि इंसान खा जाएगा, अगली पीढ़ी आए ना आए लेकिन इंसान उन्हें खा जाएगा। ठीक है, तो वो आपके पास है। ठीक है, तो ये आपके पास ब्लड वगैरह निकलेगा वहां से और क्या करेगा, नए जीव का निर्माण वो कर लेगा। जैसे अगर बात करें यहां इसको हटा करके, ठीक है, तो जो राइजोम की जो अपन बात कर रहे हैं वो आपके पास क्या करता है, जैसे ये इस प्रकार का है नीचे, ये भूमि हो गई और ये नीचे आपके पास क्या हो गया, अलग पेन से मैं बता देता हूं, लाल पेन से, ये आपके पास ये राइजोम हो गए, माना क्या हो गए, राइजोम हो गए। तो यहां से जो राइजोम की जो बात कर रहे हैं वो क्या करेगा, यहां से जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, क्या मिलेगी, अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, अनुकूल परिस्थिति में
ऊपर आएगा ये, और वहां ऊपर आने के बाद में वो आपके पास क्या करेगा, नए जीव में परिवर्तित हो जाए। सारी बात समझ में? ये आपके सिंपल से एग्जाम्पल की अगर अपन बात करेंगे तो केला आप ले लो, बनाना जिसे अपन कहते हैं, है ना, बनाना ही कहते हैं ना, मैंगो तो नहीं कहते। अदरक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है, फिर से कह देता हूं, अदरक जिंजर जिसे अपन कहते हैं, टर्मरिक ले लो आप, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, मैम ध्यान में ही रखो, केला और अदरक जो है इंपॉर्टेंट है। राइजोम जो होते हैं नीचे से ऊपर एरिया भी आते हैं और नए पादप का निर्माण वो कर लेते हैं, ठीक है, नया पादप, नए पादप। तो आपके पास क्या है, राइजोम में भी एनसीईआरटी का चित्र देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है सकर, चूषक जिसे कहते हैं वैसे तो हिंदी में। तो ये जो है आपके पास क्या है, जो भी अंडरग्राउंड है पार्ट उसके नीचे का ही स्ट्रक्चर, जैसे इसके नीचे का ही जो स्ट्रक्चर, लेकिन ये ऊपर नहीं आएगा डायरेक्ट, ऊपर आने से पहले क्या करेगा, नीचे की ओर वृद्धि करेगा, नीचे की ओर वृद्धि करेगा, और उसके बाद में क्या होगा, ऊपर आएगा, फिर यहां से ये क्या कर लेगा, नए जीव में, नए पादप में परिवर्तित ये होगा। ऐसा नहीं कि यहीं से ऊपर आ जाएगा, नहीं, ये सही नहीं है, ये आपके पास क्या है, सही है। तो इसी को आपको ध्यान में रखना, थोड़ा सा वो क्या करेगा, भूमि के नीचे यहां से क्या करेगा, वृद्धि करेगा, डिस्टेंस पे जाएगा, कुछ कुछ दूरी पर जाएगा ये, ठीक है, और दूरी पर जाने के बाद में वो क्या करेगा, नए जो पादप है उसका निर्माण करेगा, तो यहां से ये टूट जाता है उसके बाद में, ठीक है, ऊपर आएगा और टूट जाएगा, यहां से ये नया पादप बना लेगा, ऐसे क्लियर है। इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल मिंट, पुदीना, सुना होगा आपने पुदीना, ठीक है, पुदीना भी सेम ऐसे ही कंडीशन या केस होता है, जिससे वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से वृद्धि करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही वो क्या है, लैंगिक प्रजनन का ये एक प्रकार। तो ये यहां पर क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाले हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो आता है तीसरा, सब एरियल, मतलब आधा हवा में, तो आधा कहाँ होगा, आधा पानी में हो सकता है, आधा मिट्टी में हो सकता है, नहीं, सब एरियल उसे ही कहते हैं, सब का मतलब ये होता है आधा, एरियल का मतलब एयर, हवा से लिया गया है। तो इसके अंदर तीन प्रकार है, पहला जो प्रकार आता है वो है रनर, हिंदी में भी यही कहते हैं और इंग्लिश में भी यही कहते हैं, रनर का मतलब होता है भागने वाला, ठीक है। दूसरा जो आपको प्रकार मिलेगा वो मिलेगा स्टोलन, और तीसरा जो आपको प्रकार मिलेगा वो है ऑफसेट, जिससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, ऑफसेट्स ये इंपॉर्टेंट है। आरी बात, रनर, स्टोलन और ऑफसेट, वोटर हाइसिन का एक एग्जाम्पल यहां पर आएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, उसके बाद में एनसीईआरटी का डायग्राम अपन देखते हैं और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो रनर की बात करेंगे तो ये क्या है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो आपके पास क्या होता है, जो बेस है, जो आधार है, ठीक है, ये आधार या भूमि लिख देता हूं मैं, या आधार या भूमि, ठीक है, आधार या भूमि मैंने यहां से लिखा है। तो ये क्या करेंगे, पहली बात तो ये क्या है, छोटी है, छोटी संरचना है, हरी है, अब हरी बैकग्राउंड है तो मैं हरी आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो आपके पास जो भी बेस है यहां से रूट और जो ऊपर वाला बेस है यहां से ये निकलती है, ठीक है, यहां से ये निकलती है, अब उसके बाद में यहां से निकलने के बाद में यहां से टूट जाएगी कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लो ये यहां से निकली है, यहां से ये नीचे की ओर आपके पास क्या है, मूल वगैरह है, ये नीचे मूल है, तो उसके बाद में आपके पास सिंपल सा क्या होगा, ये ऊपर बाकी प्लांट है, ठीक है, तो उसके बाद में यहां से जब ये टूट जाएगा तो नए जीव का वो निर्माण यहां पर वो कर लेगा, नया पादप का निर्माण वो यहां से सिंपल सा कर लेगा। आ रही बात समझ, आधार या भूमि है तो यहां से टूट जाएगा, उसके बाद में क्या करेगा, नए पादप का निर्माण कर लेगा,
वही स्ट्रक्चर क्या है, रनर है। सब एरियल का मतलब वहीं से जो बेस है उसका, वहीं से वो निकलेगा, ना ऊपर ना नीचे। अरे बस मिनट, तो आधा हवा में रहेगा वो, इसीलिए से कहा गया। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करेंगे तो गार्डन में जो आपके लोन में लगती है जो घास है वो आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ऑक्सिलिस एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, इलेवंथ और ट्वेल्थ दोनों का ऑक्सिलिस आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टोलन की अगर अपन बात करें तो ये आपके पास क्या हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस है, हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज ब्रांचेस, क्षैतिज शाखा है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये क्या हुए, मृदा हो गई, यहां से इसको मैं साइड में लिखता हूं थोड़ा सा, ये हो गई मृदा। तो इस मृदा पर ही आपके पास क्या होगी, क्षैतिज शाखा ये निकल रही है यहां से। ये क्षैतिज शाखा जो निकल रही है वो आगे चलकर क्या कर लेगी, नए जीव का निर्माण वो कर लेगी, नया पादप ये बना लेगी। तो वही आपके पास के स्टोलन है, ठीक है। सेम वैसे ही जो रनर के जैसे ही आपके पास हो रहा है, लेकिन यहां जो बेस था वहीं से निकल गया था और नया पादप बना लिया इसने, हॉरिजॉन्टल शाखा की ओर अपन गए थे, ठीक है। इससे पहले भी अपन ने वहां पर डिस्कस किया था मिंट वाले में, तो ये थोड़ा सा उससे क्या है अलग है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रॉबेरीज का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। वेलिसनेरियस का एक एग्जाम्पल है, दोनों ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, अगर आपको इस चैप्टर में नहीं मिले तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे ये गारंटी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी और वेलिसनेरिया दोनों ही एग्जाम्पल किसके, स्टोलन के एग्जाम्पल। उसके बाद में ऑफसेट की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या होता है, जो लंबे लंबे रनर हैं इस प्रकार से, एक ये दो ये तीन, ठीक है, जो जलीय पादप है उनके अंदर, जलीय पादप में जो लंबे लंबे आपके रनर हैं उसके अंदर मिलते हैं आपको, ये जो स्ट्रक्चर मिल रही है और ये आपके पास क्या इंटरनोड है, नोड या इंटरनोड जिसे अपन कहते हैं, पर्व संधि जिसे कहते हैं, पर्व कह लो। तो यहां से ये क्या करेंगे, ये टूट जाएंगे और नए पादप का निर्माण करेंगे। अरे बस एग्जाम्पल ये अगर अपन बात करें जलकुंभी, वॉटर हाइसिंथ, ठीक है, वॉटर हाइसिंथ, आइकोनिया जिसे अपन कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल आपके पास आएगा पिस्टिया, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो वाटर हाइसिंथ या आइकोनिया ये आपको ध्यान में रखना, जलकुंभी कम समय में ये पूरे जो जल जल का जो स्रोत है उसे कवर कर लेती है, उसकी वजह से जो जलीय जंतु है, जलीय जीव है, उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो पोषण ले लेता है वाटर हाइसिंथ, ठीक है, आइकोनिया जिसे अपन कह रहे हैं, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वहां पर कम हो जाती है, उसकी वजह से जलीय जंतुओं की वहां पर क्या होती है, जलीय जीवों की मृत्यु होती है। तो आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली तने की, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मूल और तने की, अपन ने बात कर ली। अब उसके बाद में अपन बात करें चौथे में वायवीय जो तना है वो, एक तो नीचे था मृदा में, दूसरा सब एरियल था आधे में, अब पूरा ही वायवीय जो तना है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना। वायवीय तने का मतलब समझ में आ रहा है, मृदा से ऊपर जो होगा वो है वायवीय तना, ठीक है, बिल्कुल ही ऊपर जाए वो आपके पास क्या है वायवीय तना। तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है गन्ना जिसे अपन कहते हैं, उस गन्ने में भी इसी प्रकार से क्या होती है वृद्धि होती है, ज्यादा इसके अंदर कुछ ध्यान में रखना नहीं, गन्ना और ओपेंशिया, गन्ना और ओपेंशिया। उसके बाद में पत्तियों की बात करते हैं, पत्तियों से क्या अलैंगिक प्रजनन होता है, काई प्रवर्धन होता है, बिल्कुल होता है, पत्तियों में भी चेंजेस होते हैं, पत्थर चट्टा आपने सुना हुआ है, ठीक है, ब्रायोफिलम जिसे अपन कहते हैं, उसकी पत्ती जहां पर भी गिरती है नया पादप बन जाता है, बहुत कॉमन है, और उसको कहते हैं स्टोन जो है किडनी स्टोन, पतरी पतरी है, उसके अंदर भी इसका रोल है डिजोल्व करने, ठीक है, स्टोन का मंदी उसको सेवन करने से। तो पत्तियां जो है
वहां पर भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ब्रायोफिल्म में अभी आपको बता रहा था, पत्थर चट्टा जिसे अपन कहते हैं, पत्थर को चट कर जाता है ऐसा कहते हैं, पथरी में काम में आता है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसको खाया है, मेरे जब हुई थी इस टाइम। आ रही बात समझ। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे छटा, तो वह बुलबुल। बुलबुल्स की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है, छोटी छोटी फ्लैशी बर्ड्स है। फ्लैशी बर्ड्स मतलब गुदेदार, गुदेदार बर्ड्स हैं जो आपके पास जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसके अंदर मदद करता है। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है ऑक्सेलिस, हिंदी में भी ऑक्सेलिस लिखते हैं, इसलिए इंग्लिश में ही मैंने लिख दिया है। अगेव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो अगेव आपके पास है। पाइनएपल जिसे अनानास अपन कहते हैं, अनानास जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद में याम एक्सेक्ट, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें आगे और जो ऑक्सेलिस है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो ये जो है फ्लेशी का मतलब आपको समझ में आ रहा है, जैसे प्याज वगैरह एक तरह से वो भी क्या है, फ्लेशी है, गुदेदार है वो, ठीक है। उसके जो पार्ट है वहां से आपके पास क्या मिल जाएगा, वहां से अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पत्ती है, तना है या जड़ है, ये मैं केवल बोल रहा हूं बर्ड से, फ्लेशी बर्ड से, छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, उससे नया जीव जो पादप है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, बन जाता है वो, जिस प्रकार से जैसे मान लो ये अगेव का है, ये बुलबिल जो भी आपके पास, ठीक है, अगेव की जो बात कर रहे हैं, ऑक्सेलिस की बात कर रहे हैं, तो ये जो है फ्लेशी बर्ड्स, ये जो फ्लेशी बर्ड्स है इससे नया पादप बनता है, क्या बनता है, नया पादप बनता है, वो आपके पास सिंपल सा एग्जाम्पल है। आ रही बात समझ, वो आपके पास क्या सिंपल सा एग्जाम्पल है किसका, आकाई संवर्धन का। ये आपका पूछा भी गया, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको इसमें ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे लास्ट में आता, चलो इसको रहने देते हैं, अपन ये अपने थोड़ा सा सिलेबस से बाहर हो जाएगा, ठीक है। वॉटर हाइसिंथ की बात जो अपन कर रहे थे, जल कुंभी की अपन बात कर रहे थे, इसे अपन कहते हैं बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल इसे अपन कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन भी मैं यहां से आपको बता देता हूं। पहली बात तो वॉटर है, तो ये क्या है, जलीय पादप है, ठीक है, खरपतवार है जो बाहर से आई गई थी, ठीक है, खरपतवार है जो कहां से आई है, बाहर से आई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फैलने के बाद में फैलता है तेजी से, ये क्या करता है, तेजी से फैलता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन काम में लेता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है जलीय स्रोत की, तो जलीय जीवों की क्या होती है, मृत्यु होती है, बता दिया आपको पहले ही मैंने, जलीय जीवों की क्या होगी, मृत्यु होगी। और इसको रिमूव करना जो है वो भी थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है, इसीलिए इसे आतंक है, ठीक है। चलो एक बार का तो कर दिया, दो बार तीन बार, ये तो हर बार ही फैल रहा है, तो इसका आतंक कम नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे कहा गया टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल में सबसे पहले देखा गया था। इनवेडिंग बीड इनवेसिव मतलब बाहर से आई थी, अपना लोकल नहीं था, ये टेरर ऑफ बंगाल आपके पास सिंपल सा हो जाता। चित्र की बात करें एनसीईआरटी के, तो वो आप बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करना है जो डायग्राम्स है उनको, क्योंकि डायग्राम्स नहीं देखो तो फिर काम अपना मुश्किल हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आपके पास लिखा है इसे, सबसे पहला आप जो लिखा है यहां इसे आप देखेंगे, तो ए जो लिखा है वो आपके पास क्या है, चल बीजाणु है, कैसे आप बोल सकते हो, क्योंकि यहां आप देखेंगे तो प्लेजिल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहे हैं, प्लेजिला देखने को मिल रहे, और चल बीजाणु की अपन ने बात की थी किसमें मिल रहा था, क्लेमाइडो। दूसरा आप देखेंगे बेज चित्र लिखा है, ये देखेंगे आप कोनिडिया को, हिंदी में कोनिडिया ही इन्होंने लिखा है, और किसमें लिखा है, पेनिसिलियम में लिखा है, देखेंगे आप, इस प्रकार का मैंने आपको बता दिया था पहले। से जो आपके पास लिखा है वो क्या है, हाइड्रा, हाइड्रा में क्या है, कलिका, ये छोटा सा पार्ट जो है अलग होता है, और ये क्या बना लेता है, नया जीव,
और सबसे लास्ट में जो आपके पास लिखा स्पॉन्ज, मैं जेम्यूल ये आपको पहले ही बताया था मैंने स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज आप एनिमल किंगडम के फर्स्ट जो पार्ट है संघ उसके अंदर ही पढ़ते चौथा चैप्टर है एम क्लास के एनसीईआरटी, वहां पर जो स्पॉन्ज है वो मिल जाएगा आपको जेम्यूल स्पॉन्ज। केवल चित्र आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर ये क्या है या वो क्या है पार्ट बाकी क्या है वो आपको नहीं ध्यान में रखना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। दूसरा ये पादपों की अगर अपन बात करें तो जो सबसे पहले लिखा है आलू, आप देख सकते हैं ये आंख बता रखी अंकुरणशील आंख कलिका बता रखी, अगर इसको आप यहां से हटाओ और कहीं नई जगह पर आप डालो मिट्टी में तो नया जीव बन जाएगा, ठीक है। बेर चित्र लिखा है तो बे आप देखेंगे अदरक, ठीक है, ये आपको पहले बताया था पर्व संधि है ये कलिका अदरक यहाँ से छोटा सा पार्ट अपस्थानिक मूल आप देख सकते। सेब जो है इंपॉर्टेंट है पूछा गया है, मतलब तीनों पूछे सेब है ये तो, ठीक है, ये तीनों ही यहाँ से पूछे सेब जो है वो क्या अगेव का बुलबुल यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, बुलबुल है ये सारे के सारे आ रही बस। और दे जो आपके पास लिखा अपस्थानिक कलिका किसकी बताई जा रही है ब्रायोफिलम जिसे अपन कहते हैं पत्थर जटा जिसे अपन कहते हैं, यहां से ये जो पत्ती है अगर टूट करके मिट्टी में गई है तो इसकी छोटी छोटी जो अपस्थानिक कलिका है वो क्या बना लेगा नया पादप बना लेगा। और सबसे लास्ट में जो ये लिखा है वो जल हाइसिंथ है भू स्तरीय जिसे अपन कहते हैं वाटर हाइसिंथ जिसे अपन कह रहे हैं यहां से एक से दूसरे में यहां से क्या हो रहा है फैलता जा रहा और फैलता जा रहा है। आगे बस ये यहां पर अपना क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, कायिक प्रजनन या कायिक संवर्धन भी यहां पर क्या होता है कंप्लीट होता है। थोड़ा सा मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए आपको ये, लेकिन ये एक्स्ट्रा डायरेक्ट नहीं है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे चाहे 11th के एनसीईआरटी में मिलो चाहे 12th में मिलो, जो यहाँ पर जैसे इस चैप्टर में नहीं दे रहे और मैंने बताया कन्फर्म वो आपको मिलेगा 11th क्लास के एनसीईआरटी, जो मैं वहां बता रहा हूँ वापस हो सकता है वो यहाँ मिल जाए, तो रिलेट करके आपको पढ़ना जिससे दो से तीन बार पढ़ते पढ़ते ही रिविजन हो जाए, ठीक है, तो काम अपना क्या जाए आसान यहाँ से हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया है। अब बाकी जो दूसरा जो कृत्रिम प्रकार का जो है ना वो मैं नहीं बता रहा हूँ किस प्रकार से पादप को जोड़ना है काटना है कली करना ये करना, क्योंकि वो काम का ही नहीं है ना, क्योंकि वो काम का ही नहीं। जो आपके पास कायिक प्रजनन का जो कृत्रिम तरीका है हॉर्टिकल्चर वाला, एक तो प्राकृतिक अपन ने पढ़ लिया वो काम का ही नहीं है, आपने जब एग्रीकल्चर आप लेते हो आगे जाते हो एक पौधे से दूसरे में कैसे जीन डाल रहे हो कैसे संक्रमण करवा रहे हो कैसे काट रहे हो उसको कैसे जोड़ रहे हो कैसे परवर्धन कर रहे हो वो मैं नहीं बता रहा, ठीक है, हॉर्टिकल्चर ये यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन अपन लैंगिक प्रजनन देखेंगे उनसे कंप्लीट करेंगे समझेंगे, तो आई होप आपको समझना है, नोट्स बना लीजिए अच्छे से, अब आप लैंगिक प्रजनन तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं मेरी तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।